हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, इस वक्त मैं तमिलनाडु में हूँ और यहाँ पे उडनगुड़ी पावर प्लांट प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे, और यह टीजी टरबाइन का इरेक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कॉलम का इरेक्शन होने जा रहा है, और किस तरह से इरेक्शन होता है, किस तरह लिफ्टिंग होता है पीछे साइड देखिए आपको बताने जा रहा हूँ। और वहाँ पर कॉलम पर कैसे इरेक्शन होगा, किस तरह से होता है, सारा प्रोसीजर आपको बताने वाला है। तो आप मेरे ब्लॉग पर बने रहे और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यह लिफ्टिंग होता है, किस तरह से सीलिंग लगता है, किस तरह से वो प्लान भरा जाता है। तो यहाँ पे आप बने रहें और दिखाते हैं, चलिए तो यहाँ पे आपको बताते हैं, चलते हैं यहाँ से दिखाते हैं आप लोग का। यहाँ पे देखिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, कॉलम का ये बेस है और यहाँ पे सफाई चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए नट बोल्ट लगा हुआ है और सरिया निकला हुआ, तो ये सब पूरा साफ़ करके और कॉलम को बैठाया जाए। देखिए पीछे साइड में दिखाई दे रहा होगा कॉलम, उसी कॉलम से लेकर इस कॉलम को वाटर लेवल किया जाएगा, उसके बाद जो कॉलम को इरेक्शन करके यहाँ पे बैठाया जाएगा। तो चलते हैं दिखाते आगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज इरेक्शन होने वाला है। देखिए पीछे में आपको दिखाई दे रहा है कॉलम इरेक्शन हो रहा है, जो कि 40 से 45 मेट्रिक टन है और हैवी मटेरियल, हैवी वेट है, तो उनका भी इरेक्शन हम लोग कर रहे हैं उसका। पीछे अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि सीलिंग और डिसैकल लगाया जा रहा है, लिफ्टिंग के लिए तैयार हो रहा है। और ये बीम कॉलम है और ये इसका वेट जो है 50 टन से ज़्यादा है। और ये दो क्रेन लगा हुआ है, टावर क्रेन लगा हुआ है, और इस टावर क्रेन के सपोर्ट से इसको खड़ा किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये सीलिंग डिसैकल लग चुका है और यहाँ पे लिफ्टिंग होने को तैयार है। देखिए कैसे सीलिंग लगता है, कैसे डिसैकल लगता है, इसका सारा प्रोसीजर है। आप इसको, इसका चार्ट आता है, आप कितना का सीलिंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना वेट के लिए कितना सीलिंग है, तो इसका फार्मूला भी आता है D8×D², उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सीलिंग का। अब देखिए पूरा सीलिंग है आपका। अब ये कॉलम रेडी हो गया है लिफ्टिंग के लिए और ये सीलिंग डी से कल लग चुका है। देखिए दो क्रेन लगा हुआ, टावर क्रेन लगा हुआ है, अब इसको लिफ्ट किया जाएगा धीरे धीरे, इसको स्विचिंग करके और अपने जगह पर इसको ले जाया जाएगा। अब ये क्या है कि ये स्विंग ना करे, इसके लिए तरफ दोनों तरफ रस्सी बांध दिया जाता है रोप, ताकि और कुछ वर्कर लोग पकड़ेंगे ताकि इसको ये ज़्यादा मूवमेंट ना करे। और देखिए कैसे धीरे धीरे करके लाया जा रहा है, और देख कुछ रोप लेके कुछ वर्कर पकड़े हुए हैं। अब आगे देखिए, आगे बताते हैं और भी लगा हुआ है। जब दो क्रेन एक मटेरियल को एक साथ होल्ड करता है और मूव करता है, तो उसको टेंडम लिफ्टिंग कहा जाता है। टेंडम लिफ्टिंग क्या है, अब करने के बाद क्या है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। अब कुछ पोजीशन में आने के बाद क्या है कि एक क्रेन का जो है सीलिंग खोल दिया जाता है, उसके बाद जो हैवी टन का जो क्रेन रहता है 100 टन का, 80 टन का कैपेसिटी है क्रेन का, वो जो है वर्टिकली वो होल्ड करके हैंग किया रहता है, और उसके बाद उसको मूव करके सही प्लेस में उसको पहुंचाया जाता है। देखिए अब किसी तरह हैंग किया हुआ है वो, और सीलिंग रिसाइकल से, और उसका बूम जो है पूरा ये निकला हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, लोग उसको पोजिशन में ले कर जाया जा रहा है जहाँ कॉलम उसका बेस है। अब देखिए कुछ लोग होल्ड किया हुआ रोप से ताकि इधर उधर स्विंग ना करें, ज़्यादा मूव ना करें, और इसकी वजह से वो रस्सी बांधा गया। अब देखिए यहाँ पे ये एक क्रेन का जो सीलिंग खोल दिया गया है, एक क्रेन जो है जिसका ज़्यादा हाई कैपेसिटी का है उसको होल्ड करके रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लोग कुछ सीलिंग पकड़ा हुआ है, अब वहाँ पर इसको पोजिशन में जाके ये देखिए बोल्ट है जहाँ उसका है, यहाँ पर बोल्ट में उसको जाके पोजिशन में ले कर जाया जा रहा है। अब वहाँ देखिए हाइट में चढ़ के, यहाँ देखिए इसका पोजीशन है, इस पोजीशन में आपको यहाँ बोल्ट को, इस कॉलम को बोल्ट में फंसा के उसके बाद उसको बोल्ट लगाया जाएगा, उसका पैकिंग करके, और जिस तरह वाटर लेवल से उसको लेवल किया जाता है, उसके बाद ये है। देखिए इसी तरह कॉलम अब इरेक्शन होता है, ये प्रोसीजर था शॉर्ट में आप लोगों को बताएं, तो आप लोग आगे वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। पैर हटा, पैर हटा के भाई।